नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में विशेष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि इन मेलों में स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग चीजें भी की जाएंगी। इस बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर भेजा है। सीएमओ ने बताया है कि स्वास्थ्य मेला के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो वहीं मथुरा में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर रग अग्निशमन विभाग ने धार्मिक स्थल वृंदावन में आग से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसका शुभारंभ जिला पंचायत और महामंडलेश्वर ने हरी झंडी दिखाकर किया है। जागरूकता के लिए रैली है और अग्नि सुरक्षा से संबंधित जितने भी हमारी जो चीज़ें उनको आज बताया जाएगा। उसी को जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली है कि सब लोग जो है अपने उपकरण जो बिल्डिंग से उनके अंदर अधिस्थापित करें और जो उपकरण है उनको अपना साथी बनाए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनका उपयोग करके और लोगों की जान माल जो है उसको बचाया जा सके। और वृंदावन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भी है और हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर जागरूकता की ज़्यादा आवश्यकताएँ हैं क्योंकि डेली आए दिन जो आज की घटनाएँ होती रहती हैं तो उनको रोकथाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि लोग उससे अवेयर हों और अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट रखें और कोई भी जब घटना होती है उस पर क्या करें क्या ना करें इससे संबंधित। और इसी बीच आगरा में शमशाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हो गई जिसके चलते दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तो वहीं थाना अध्यक्ष शमशाबाद पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी और वहीं दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। की तरफ से एक काली पल्सर से तीन लड़के आते हुए दिखे जिनको पुलिस ने चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया। रोकने के बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी जिसमें एसओ शमशाबाद बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसकी पहचान टोनी जो कि जगदीशपुरा मकटई का रहने वाला है और जिसपे आगरा के विभिन्न थानों में 9 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। उस उक्त घायल बदमाश को प्राथमिक इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और भागे हुए बदमाशों के लिए। तो औरैया से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सरकारी दफ्तर में वर्किंग डे और वर्किंग पीरियड के दौरान सरकारी कर्मचारी सोते हुए नजर आए। जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय ये कर्मचारी सोते हुए दिख रहे हैं जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सीएम ने निर्देशों के खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को लेकर कि उन्हें समय से पहुंचना है और लोगों की समस्याओं को तुरंत ही उनका निस्तारण करना है। लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीर निकल कर ये सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है क्योंकि यहाँ तमाम अधिकारी जो है सरकारी विभाग के सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की विधानसभा क्षेत्र टूंडला के गांव सिकंदर में भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से खास बातचीत की और कहा कि हम आज अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अधिकारों से वंचित रहें या हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी दलित भाई पर अत्याचार और उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। खबर बिजनौर से है। बिजनौर में गर्मी के बढ़ने के साथ साथ वन विभाग भी अब सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ जाने की वजह से जंगलों में आग लगने का डर हमेशा बना रहता है और आग लगने से जंगल के पेड़ पौधे तो जलकर राख होते ही हैं लेकिन जीव जंतुओं की भी जलकर मौत हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर वन विभाग के कर्मचारियों को 500 मीटर के दायरे में तैनात कर दिया गया है।
निश्चित समय होता है 15 फरवरी तक, उस समय हम लोग फायर कंट्रोल के लिए फायर बर्निंग करते हैं, कंट्रोल बर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो उस समय तो ऐसा होता है कि एक जगह से आग इधर को ना जाए उसी क्षेत्र से चयन कर लेते हैं, वहाँ पे आग कंट्रोल बर्निंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कंट्रोल बर्निंग के समय मुस्तैद रहना पड़ता है, आग बहुत दूर तक फैल जाती है, इसलिए हम जनरली सेफ स्थलों में ये कंट्रोल बर्निंग। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा के शमशाबाद में हुई मुठभेड़ के बाद अब फतेहाबाद में भी बदमाशों और पुलिस बल के बीच में मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने चेकिंग कर रही पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद से चेकिंग कर रही पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई है। घायल को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही इस पूरी घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 1 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। पूरे जनपद में दबिश और चेकिंग का दौरान चेकिंग की कार्रवाई जारी थी। उस अभियान के दौरान बीती रात्रि में 2 पुलिस मुठभेड़ हुई है। एक पुलिस मुठभेड़ थाना शमशाबाद क्षेत्र में हुई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अपराधी टोनी उर्फ कुर्बान के पैर में गोली लगी और उस यह एक शातिर बदमाश है और इस पर 1 दर्जन से अधिक लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज है। दूसरी पुलिस मुठभेड़ थाना फतेहाबाद क्षेत्र में हुई है, जिसमें राहुल नामक बदमाश जो कि जिला बदर था, उसके पैर में गोली लगी है, तथा दूसरा बदमाश बंटी उर्फ गोले जो कि एक शातिर बदमाश है, इसको पकड़ा गया है। तीसरा बदमाश इसमें रात्रि का फायदा उठाकर भाग गया। दोनों मुठभेड़ों में चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं और दोनों के दोनों अभियुक्त जिनके पैर में गोली लगी है मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन अभियान। तो मैं लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कच्ची शराब बेचने और बनाने पर रोक लगाने के लिए लखीमपुर खीरी गोला और मोहम्मदी के आबकारी निरीक्षक और आरक्षी टीम मौलाना थाने के स्थानीय पुलिस बल ने गांव रजामंडी के साथ तमाम गांवों में पहुंचकर काफी मात्रा में लहन को नष्ट कर दिया है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट किए गए। तो वही पुलिस ने शराब बनाने के स्थानों से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की है। इसी के चलते अब आबकारी टीम ने नगर की वाइन शॉप की दुकानों में रखी शराब की गुणवत्ता और वैधता संबंधित जांच पड़ताल भी की। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कच्ची शराब कारोबारियों में अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आज विशेष चेकिंग अभियान के दौरान सेवाबोध कॉलोनी में आबकारी निरीक्षक खीरी मोहम्मदी और गोला तथा पुलिस थाने मैलानी के द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान भारी मात्रा में लहन नष्ट किया गया तथा लगभग 150 लीटर शराब बरामद की गई। सर लहन कितना नष्ट किया गया? लगभग 3000 क्विंटल। सर कोई शराब बनाने वाले को गिरफ्तार किए गए? नहीं, कोई शराब बनाने वाले सब भाग गए। उपकरण वगैरह सर नष्ट किया गया? उपकरण और शराब बनाने की और अगर आप भारी दोपहर में पैसे लेकर बैंक से आ रहे हैं या पैसे जमा करने जा रहे हैं तो सावधान होकर चलें, क्योंकि झपट्टा मार गैंग आपको अपना शिकार बना सकती है और आपकी रकम लेकर फुर हो जाएंगे। आज पुलिस लाइन के सामने यह हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी सुधाकर राय पुलिस लाइन के सामने SBI की मुख्य शाखा से 2.5 लाख रुपए निकालकर ले गया था। 1 लाख रुपए उन्होंने अपने बेटे को दिए और 1.5 लाख बैग में रखकर कार की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तेजी से बाइक से 2 लोग आए और सुधाकर के हाथ से बैग छीन कर फरार हो गए। ये सब इतनी तेजी में हुआ कि सुधाकर कुछ समझ ही नहीं पाए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास सड़क और लगे CCTV कैमरे को चेक करवाया है, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस लाइन का मुख्य गेट और उसी के सामने बैंक, इस रास्ते पर हमेशा पुलिस के जवान रहते हैं और इसी सड़क पर हुई लूट अपने आप में एक बड़ा मामला है। हालांकि इस मामले में पुलिस के पास अपने तर्क है, लेकिन वारदात के बाद सवाल उठाना लाजमी है और अब पुलिस को बदमाशों की तलाश है। जो रहने वाले ग्राम हवेलिया थाना झूसी के रहने वाले हैं, वो आए थे यहाँ पे SBI से अपने कुछ पैसा निकाले, तो 2.5 लाख रुपया निकाले थे, तो 1 लाख अलग रखे थे और 1.5 लाख रुपया बैग में रख करके जा रहे थे बाहर गेट के बाहर। थोड़ी दूर बाहर इनकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ तक पहुँच रहे थे। बता रहे हैं कि 2 लड़के जो पल्सर सवार आए थे और उनका पर्स जो हाथ में लिए हुए थे वो छीन के 2.5 लाख रुपया निकाला मैंने और 1 लाख रुपया जो है लड़का अपने पास रख लिया जेब में
और 1.5 लाख रुपया बैग में था। मैं ऐसे ही निकल के जो हम दोनों आदमी साथ जा रहे थे और करीब 50 गज गए हों यहाँ से, तब तक जो है इधर से गाड़ी लेके आए हैं मोटरसाइकिल से दो आदमी, और उसके बाद तेज रफ्तार में थे और तुरंत जो है छीने हैं, छीन करके भागे हैं। अब इतना तेज स्पीड में थे कि हम उसको उच्चारण नहीं कर सकते उसका। गिरे तो नहीं आप, चोट तो नहीं है आपको? हमको चोट तो नहीं लगी लेकिन। और शाहजहांपुर में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधानसभा से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लाट की जांच और नाप के लिए राजस्व विभाग दलबल के साथ पहुंचे। यहां लगभग 4 घंटे तक राजस्व की टीम ने बारीकी से सपा प्रत्याशी की बिल्डिंग और प्लाट की नाप की है। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन राजस्व विभाग का कहना है कि नाप के बाद अगर जमीन सरकारी पाई गई तो आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये अतिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी ज़मीन पे जो है अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसी लिहाज, क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहाँ के लोकल लेखपाल वगैरह हैं उनके अलावा भी हम लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के लेखपाल को भी लेकर के आए, तो इसीलिए आज हमने जो है एक संयुक्त टीम बनाई है और दो जगहों की हम लोग आज जाँच कर रहे हैं, जिसमें एक संडा खास है। ऋषभ वर्मा पुत्री है रिया वर्मा, ये ज़मीन उसकी है और इस ज़मीन 2010 में खरीदी गई थी। अगर ये नाप हुई है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, विधिवत नाप हो इसकी, जो जिस खेत में खरीदी गाटा संख्या 335 में, उस खेत की भी पैमाइश हो जानी चाहिए। जहाँ पर मिलजुला नंबर हैं तो मिलजुला जो काश्तकार हैं उनकी भी नाप होनी चाहिए। और देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, जो हमारे लोकल यहाँ के राजनीतिक विरोधी हैं वो ये सब करवा रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, विनती है कि इसकी नाप। तो वहीं गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में अब कोरोना संक्रमित छात्रों और शिक्षकों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी में से एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है। और आपको बता दें कि इस कड़ी में अब प्रयागराज के कुछ स्कूल भी जागरूक नजर आ रहे हैं। बच्चों में कोरोना ना फैले, इसके लिए स्कूल प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों में संक्रमण ना फैले, इसके लिए उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को कोरोना गाइडलाइंस पालन करने के कड़े निर्देश दिए हुए हैं। स्कूल आते हैं, स्कूल गेट पे हम लोगों का पूरा चेकअप होता है रेगुलर, उसके बाद हम लोग क्लासरूम में आते हैं। थर्ड फोर्थ पीरियड पूरा मास्क नहीं उतारते, थर्ड फोर्थ पीरियड में हम लोग हमेशा टैप के पास जाते हैं, वहाँ पे हम लोग के लिए सैनिटाइजर्स रखे होते हैं, हैंड वॉशेज रखे होते हैं, हम लोग अपने हैंड वॉश करते हैं और वापस क्लास में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं फ्रेंड से, तब भी मास्क ऊपर ही रखते हैं क्योंकि नोएडा में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूल्स में भी बहुत मिल रहे हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन करके रखें। और सीतापुर में कस्बा मिश्रित के मोहल्ला दौलतपुर निवासिनी 75 वर्षीय वृद्धा महिला मलती देवी की जमीनी विवाद के चलते बीती रात को सर कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतका वृद्धा के पुत्र श्याम कुमार के दो पुत्र हैं, शिवशंकर और जयशंकर, और साथ ही आपको बता दें कि जयशंकर के पास वो रहती थी। जयशंकर की पत्नी कल्पना वृद्ध महिला को खाना देने के लिए रात में 9 बजे गई थी, लेकिन तब तक वृद्ध महिला को कमरे में मृत पड़ा देखा, उसके सर से खून रिस रहा था। घटना से घर में कोहराम मच गया है फिलहाल और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिला मुख्यालय भेजा गया। और इसके साथ ही दूसरी तरफ इस मामले में अब चर्चा की बात की गई है कि मोहल्ले में दौलतपुर निवासी मृतक वृद्धा के नाम मिश्रित कस्बे में कई बेशकीमती प्लॉट्स हैं, जिनके लेकर ही दोनों पौत्रों के बीच में ये विवाद चल रहा था। मृतक वृद्ध महिला पुत्र श्यामा कुमार के दो पुत्र शिवशंकर और जयशंकर बताए जा रहे हैं, और वृद्धा के पौत्र जयशंकर के पास वो रहती थी, जिस पर पौत्र शिवशंकर को आपत्ति थी। हालांकि इस मामले में जयशंकर ने अपने बड़े भाई शिवशंकर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस इस मामले की अब गहराई से छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी।
और उत्तर प्रदेश के अमेठी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार रायबरेली डिपो से बस पेड़ से जाकर टकरा गई। साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस परिवार सवार बस यात्री और 3 यात्री जख्मी हुए हैं। ड्राइवर और कंडक्टर को CHC पहुंचाया गया जहां दोनों की हालत गंभीर हो गई है और डॉक्टर्स ने उन्हें अब गौरीगंज जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह को रायबरेली डिपो की बस कानपुर से यात्रियों को लेकर जगदीशपुर आ रही थी। इसी दौरान वो यहां पर यात्रियों को उतार कर दूसरी सवारी भरती और वापस कानपुर जाती, लेकिन इसी बीच बस अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के जायस जगदीशपुर मार्ग पर गौतमपुर पहुंची थी और ओवर स्पीड में बस नीम के पेड़ से जा टकराई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय बस पर केवल 5 यात्री सवार थे।